सो रिसेंटली Xiaomi ने अपना खुद का एक स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है जिसका नाम है मी वॉच। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी स्मार्ट वॉच की डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन। सो हे गाइस, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं टेक मस्ती। सो 5 नवंबर 2019 को Xiaomi ने अपना मी वॉच चाइना में ऑफिशियली लॉन्च किया था। और यहाँ पे अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की बात करूँ तो डिज़ाइन आप बोल सकते हैं कि बहुत हद तक एप्पल वॉच से मिलता जुलता है। यहाँ पे जो एप्पल वॉच का डिस्प्ले है, यहाँ पे जो रोटेटिंग क्राउन है, यहाँ पे बटन से ऑलमोस्ट सब एप्पल वॉच जैसे ही है। और अगर डिस्प्ले की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्रीमियम लगता है। अब जैसे आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं वही सारे फीचर्स आपको इस वॉच में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 3100 प्रोसेसर मिलता है। उसके साथ आपको 1 GB की रैम मिलती है और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स की तो यहाँ पे आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको GPS का सपोर्ट मिलता है, NFC का आपको यहाँ पे जो है सपोर्ट मिल जाता है। तो जो भी आप अपने मोबाइल डिवाइस में करते हैं ये सब आपको यहाँ इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं फ़ोन कॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको eSIM का सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ पे 4G यूज़ कर पाएंगे और यहाँ पे आप यहीं से अपने कॉल्स जो है कनेक्ट कर पाएंगे, यहीं से आप अपने कॉल्स आंसर कर पाएंगे आपके फ़ोन के बिना। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और कुछ मोड्स की तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्टिविटी मोड्स मिलते हैं, जैसे कि आपका जो एक्सरसाइजेस हो गया, आपके रनिंग हो गया, आपके जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं जिम में एक्सरसाइजेस हो गया, यहाँ पे आपको सभी तरह के स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे UI की तो यहाँ पे क्रोम OS या ऐसा OS नहीं है, यहाँ पे Xiaomi का खुद का MIUI आपको मिलेगा देखने को। अगर मैं यहाँ पे बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 570 mAh की बैटरी मिलती है जो Xiaomi कहता है कि आपको 36 आवर्स तक लास्ट कर जाएगी। सो बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम है, अगर और थोड़ी होती तो और अच्छा होता। वॉच फेसेस की बात करूँ तो जैसे कि आपको मी बैंड 4 में बहुत सारे वॉच फेसेस मिलते थे, थर्ड पार्टी वॉच फेसेस आपको मिलते थे, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे वॉच फेसेस का ऑप्शन है। सो आपके मनपसंद वॉच फेसेस यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल ऐप्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे, जो थर्ड पार्टी ऐप्स है आप उनको इस वॉच में इंस्टॉल कर पाएंगे। और यहाँ पे एक वीडियो बीच में लीक हुआ था जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल वीडियोज़ को प्ले कर पाते हैं, आप यहाँ पे मूवीज़ को भी प्ले कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात इसकी प्राइसिंग, अब प्राइसिंग की बात करूँ तो ये प्राइसिंग है चाइना के हिसाब से, तो चाइना में इसकी प्राइसिंग है अराउंड 1299 yuan, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो कुछ 13,000 या 14,000 के आसपास आती है इंडियन रुपीज़ में। और अगर ये इंडिया में आएगी तो इससे महंगी ही आएगी। इंडिया, अगर मैं इंडिया लॉन्च की बात करूँ तो यहाँ पे अभी कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है कि ये वॉच इंडिया में कब आएगी या फिर आएगी भी या नहीं। तो यही था एक छोटा सा वीडियो इसी मी वॉच के बारे में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वॉच के कौन से फीचर्स पसंद आए और क्या आप इस वॉच को लेने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। गुड बाय।